नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अजय देशभक्त में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक गांव था, उस गांव में 130 परिवार रहते थे। 30 परिवार का अलग ग्रुप था, 100 परिवारों का अलग ग्रुप था। 30 परिवार थे वे हमेशा एक साथ ही रहते थे, और 100 परिवार थे वे हमेशा आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। उन 30 परिवारों का मकसद सिर्फ एक था, उस गांव पर राज करना। उन 30 परिवारों ने एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि हम उन्हें एक साथ तो मार नहीं सकते, उन्हें धीरे धीरे करके मारना होगा, एक एक करके मारना होगा। उन्होंने एक एक को मारना शुरू कर दिया। 100 परिवारों का ग्रुप था, वो तो अपने आप आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे। इन्होंने कहा, अच्छा हुआ मर गया, हमें क्या, पर इन्हें क्या पता कि कल को तुम्हें भी मारा जाएगा। 30 परिवार आपस में ही लड़कर मर गए, और 50 परिवारों को 30 ग्रुप के परिवारों ने मिलकर मार डाला। और जो बच गए, अब बहुत देर हो चुकी थी। अब उस गांव पर 30 परिवार वाले ग्रुप का कब्जा हो चुका था। उन्होंने जो दूसरे ग्रुप के परिवार बच गए, उनकी बहू बेटियों का रेप करना शुरू कर दिया, और कहा, उनके सामने एक शर्त रखी, या तो तुम हमारे ग्रुप में मिल जाओ, नहीं तो हम तुम्हें भी मार डालेंगे। फिर क्या था, उन्हें उनकी शर्त माननी पड़ी। अपनी जान और अपने बहु बेटियों की इज्जत के खातिर उन्हें उनके ग्रुप में शामिल होना पड़ा। और इस तरह उस गांव से उन 100 परिवारों का ऐसे खात्मा हो गया। अगर वह 100 परिवार मिलकर रहते तो ऐसा कभी नहीं होता। जिस किसी को यह कहानी समझ आ गई, वो जाग जाओ। सोते हुए इंसान को जगाया जा सकता है, मगर जो इंसान सोने का नाटक कर रहा हो, उसे कभी नहीं जगाया जा सकता। जाग जाओ दोस्तों, वरना बहुत देर हो जाएगी। जिस किसी को यह कहानी समझ आ गई, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। दोस्तों, मैंने इस कहानी के माध्यम से आपको आपका भविष्य बता दिया है। अब यही भविष्य जो कहानी में था उन 100 परिवार का, यही भविष्य चाहिए तो आप सोते रहिए। अगर ऐसा नहीं करना चाहते, अपने आप को, अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, तो जाग जाओ दोस्तों, जाग जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं होगा। हमें इस YouTube चैनल के माध्यम से एक जगा हुआ परिवार बनाना होगा, सोता हुआ परिवार नहीं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, फिर हुआ हिंदुओं की आस्था पर प्रहार। दोस्तों, मामला पाकिस्तान के इस्लामाबाद का है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर को तोड़ दिया गया है। पाकिस्तान के मुल्ले मौलवियों ने फतवा जारी कर उस भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिर को तुड़वा दिया है। अगर यही काम हमारे भारत में होता, अगर एक भी किसी मस्जिद को तोड़ दिया जाता, तो अब तक भारत में हर जगह आग लगा दी जाती, दुकानें लूट ली जाती, क्या पता किसी को, कितनों को मार दिया जाता। यह खबर पूरी दुनिया में पहुंच जाती, और कहा जाता कि भारत में, हिंदुस्तान में मुस्लिम सुरक्षित नहीं है, इस्लाम खतरे में है। पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे मंदिरों को ऐसे ही तोड़ दिया जाता है। हम तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो
एक दिन इस धरती से हिंदू धर्म का नाम निशान मिट जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि यह वायरल हो जाए और हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय को रोका जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।